हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैकेनिकल टेक हिंदी। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको ऑटोमोबाइल के ब्रेकिंग सिस्टम से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट मास्टर सिलेंडर के बारे में डिटेल में बताऊंगा। मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि मास्टर सिलेंडर क्या होता है, ये कैसे काम करता है, कितने टाइप का होता है और मास्टर सिलेंडर के एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं। तो आज का ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि मास्टर सिलेंडर होता क्या है। तो मास्टर सिलेंडर ऑटोमोबाइल के ब्रेकिंग सिस्टम में एक हाइड्रोलिक डिवाइस होता है, जहाँ पे सिलेंडर और एक या दो पिस्टन का अरेंजमेंट होता है। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊँ कि जब किसी भी गाड़ी का ड्राइवर ब्रेक पैडल के द्वारा कार में और ब्रेक लीवर के द्वारा बाइक में ब्रेक को अप्लाई करता है, यानी कि मैकेनिकल फोर्स लगाता है, तो ये जो मास्टर सिलेंडर है वो इस मैकेनिकल फोर्स को हाइड्रोलिक प्रेशर में कन्वर्ट कर देता है और ये जो हाइड्रोलिक प्रेशर है वो ब्रेक लाइन से होते हुए ब्रेक कैलिपर तक पहुंचता है और फिर आपकी गाड़ी में ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया मास्टर सिलेंडर का इंट्रोडक्शन। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि मास्टर सिलेंडर कितने टाइप्स के होते हैं और ये किस तरह से काम करते हैं। फ्रेंड्स, मास्टर सिलेंडर दो टाइप का होता है। पहला होता है सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर और दूसरा होता है टैंडम मास्टर सिलेंडर, जिसे डुअल सर्किट मास्टर सिलेंडर भी कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर की बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, जो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है वो मेडिकल के सिरिंज की तरह होता है, यानी कि जो सुई होता है मेडिकल वाला, सेम उसी तरह से कंस्ट्रक्शन इसमें भी होता है। यहाँ पे एक सिलेंडर होता है और उसके अंदर में एक पिस्टन जो है वो लोकेटेड होता है। अब फ्रेंड्स, जो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है वहाँ पे क्या होता है कि ये आपके गाड़ी के सारे व्हील्स में, यानी कि टू व्हीलर्स के दोनों व्हील्स में और फोर व्हीलर्स के चारों व्हील में इक्वल ब्रेकिंग प्रेशर जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक ही पिस्टन का यूज किया जाता है। मैं आपको बताऊं कि जो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है वो टू व्हीलर्स और लाइट वेटेड फोर व्हीलर्स, जो फोर कार्स होते हैं, वहां पे सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का यूज किया जाता है। आइए अब सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर के इंपॉर्टेंट पार्ट्स की बात करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यहाँ पे एक रिजर्वायर होता है। रिजर्वायर एक स्टोरेज टैंक होता है जहाँ पे ब्रेकिंग सिस्टम के लिए जो ब्रेक फ्लूड है वो स्टोर्ड होता है, और जो रिजर्वायर होता है वो जनरली प्लास्टिक का बना हुआ होता है। सेकेंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है सिलेंडर। अब मैं आपको बताऊं कि सिलेंडर जो होता है वो एयर टाइट हाउसिंग होता है, जिसके अंदर में पिस्टन का मूवमेंट होता है, और जो सिलेंडर होता है फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि वो कास्ट आयरन या फिर एल्यूमिनियम का बना हुआ होता है, और जो सिलेंडर होता है वो इनलेट वाल्व के थ्रू रिजर्वायर से कनेक्टेड होता है और आउटलेट वाल्व के थ्रू जो हमारा ब्रेक लाइन्स है वहाँ से कनेक्टेड होता है। और सिंगल सर्किट जो हमारा मास्टर सिलेंडर है वहाँ पर सिर्फ एक कंप्रेशन चैम्बर, यानी कि एक सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पिस्टन। अब जो पिस्टन है वो जो सिलेंडर के अंदर में लोकेटेड होता है और इसका रेसिप्रोक्रेटिंग मोशन होता है। पिस्टन के मूवमेंट के कारण ही ये जो ब्रेक फ्लूड है वो कंप्रेस्ड होता है। ओके, अब चौथा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है स्प्रिंग। तो यहाँ पे सिंपल कॉइल टाइप का स्प्रिंग का यूज़ किया जाता है। मैं आपको बताऊँ कि स्प्रिंग के वजह से ही पिस्टन और जो ब्रेक पैडल है वो अपने ओरिजिनल पोजिशन में आ पाता है जब ब्रेक को रिलीज किया जाता है। ओके, पांचवा एक और पार्ट होता है सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का, वो है वाल्व। अब मैं आपको बताऊं कि जो हमारा सिलेंडर है वो आउटलेट वाल्व के थ्रू क्या होता है कि ब्रेक लाइन से कनेक्टेड होता है, और जो प्रेशराइज्ड फ्लूड है वो इस वाल्व से होते हुए ही ब्रेक कैलिपर तक पहुंचता है। तो फ्रेंड्स, ये हो गया सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर के पांच इंपॉर्टेंट पार्ट्स। फ्रेंड्स, आइए अब मैं आपको सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर के वर्किंग के बारे में बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जब ब्रेक पैडल को प्रेस नहीं किया जाता, यानी कि जो ब्रेक लीवर या ब्रेक पैडल है उससे जो ड्राइवर है वो प्रेस नहीं करता है, वो होता है नॉन एक्चुएशन का पोजीशन। और इस नॉन एक्चुएशन का पोजीशन पे क्या होता है कि जो पिस्टन है वो अपने ओरिजिनल पोजीशन पे रहता है, जिसकी वजह से जो इनटेक वाल्व है, जिसे हम लोग इनलेट पोर्ट भी कहते हैं, जो वो है वो क्या होता है कि वो क्लोज्ड पोजीशन में होता है। और जब तक ये इनटेक पोर्ट क्लोज पोजीशन पे होता है, तब तक जो रिजर्वायर है वहाँ से कोई भी ब्रेक फ्लूड कंप्रेशन चैम्बर, यानी कि सिलेंडर के अंदर में नहीं आता है।
अब फ्रेंड्स जैसे ही ड्राइवर जो है वो ब्रेक पैडल को प्रेस करता है तो क्या होता है कि जो हमारा पिस्टन है वो कनेक्टिंग रॉड से होते हुए जो ब्रेक पैडल है वहाँ से कनेक्टेड होता है। अब जैसे ही ब्रेक पैडल को प्रेस किया जाता है तो वो क्या होता है कि पिस्टन का आगे की तरफ मूवमेंट होता है। अब जैसे ही पिस्टन का आगे की तरफ मूवमेंट होता है तो जो हमारा इनटेक पोर्ट है वो ओपन हो जाता है और ब्रेक फ्लूड जो है वो रिजर्वायर से कंप्रेशन चैम्बर यानी कि सिलेंडर के अंदर में आ जाता है। अब फ्रेंड्स जैसे ही जो हमारा ब्रेक फ्लूड कंप्रेशन चैम्बर के अंदर में आता है तो फिर क्या होता है कि पिस्टन के मूवमेंट के वजह से वो कंप्रेस्ड होता है। सेम उसी तरह से जैसे कि मेडिकल सिरिंज में हम लोग उसे दबाते हैं तो उसके अंदर का फ्लूड जो है वो कंप्रेस्ड होता है, सेम इसी तरह से यहाँ भी पिस्टन के मूवमेंट के वजह से जो ब्रेक फ्लूड है वो कंप्रेस्ड होता है। अब ब्रेक फ्लूड के कंप्रेशन में क्या होता है कि एक सर्टन प्रेशर पे क्या होता है कि जो आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है। अब जैसे ही ये आउटलेट वाल्व है वो ओपन हो जाता है तो क्या होता है कि ये जो कंप्रेस्ड ब्रेक फ्लूड है वो ब्रेक लाइन से होते हुए ब्रेक कैलिपर तक पहुंच जाता है और फिर ब्रेक कैलिपर के अपने फंक्शन की वजह से क्या होता है कि ब्रेक अप्लाई हो जाता है। फ्रेंड्स चूंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मास्टर सिलेंडर के वर्किंग की बात कर रहे हैं तो ब्रेक कैलिपर कैसे काम करता है इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। अगर आप चाहते हो कि मैं ब्रेकिंग के बारे में अलग से आपको बताऊं कि ब्रेक कैलिपर वगैरह कैसे काम करता है ब्रेक फ्लूड की हेल्प से तो मैं आपको के ऊपर मैं अलग से सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट करके जरूर बता दे। तो फ्रेंड्स सिंपल इसी तरह का वर्किंग था सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का। फ्रेंड्स आइए अब हम लोग टैंडम मास्टर सिलेंडर जिसे डुअल सर्किट मास्टर सिलेंडर भी कहा जाता है उसकी बात करते हैं। तो फ्रेंड्स जो टैंडम मास्टर सिलेंडर होता है वो मॉडिफाइड मास्टर सिलेंडर होता है जहाँ पे दो सिलेंडर और दो पिस्टन का अरेंजमेंट या फिर एक सिलेंडर और दो पिस्टन के अरेंजमेंट का यूज़ किया जाता है। और मैं आपको बता दूँ कि टैंडम मास्टर सिलेंडर की वजह से आपकी गाड़ी के फ्रंट व्हील और जो पीछे का व्हील है वहाँ पे इंडिपेंडेंट यानी कि अलग अलग ब्रेक अप्लाई होता है। फ्रेंड्स आजकल के जितने भी लगभग कार से सब जगह टैंडम मास्टर सिलेंडर का ही यूज़ किया जाता है क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ये जो टैंडम मास्टर सिलेंडर होता है वो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर के मुकाबले ज़्यादा ही एफिशिएंट होता है। अब फ्रेंड्स टैंडम मास्टर सिलेंडर के वर्किंग को समझने से पहले आइए मैं आपको एक बार जल्दी से इसके इंपॉर्टेंट पार्ट्स के बारे में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स टैंडम मास्टर सिलेंडर में रिजर्वायर होता है लेकिन यहाँ पे डिफरेंस ये होता है कि यहाँ पे एक नहीं दो रिजर्वायर या फिर डुअल चैम्बर रिजर्वायर का यूज़ किया जाता है जहाँ पे ब्रेक फ्लूड जो है वो स्टोर्ड होता है। फ्रंट व्हील के लिए अलग से ब्रेक फ्लूड स्टोर होता है और जो पीछे का व्हील है उसके लिए अलग से ब्रेक फ्लूड जो है वो स्टोर्ड होता है। इसके बाद यहाँ पे पिस्टन होता है। पिस्टन के बारे में आपको बता दूं कि यहाँ पे दो पिस्टन का यूज़ किया जाता है, एक होता है प्राइमरी पिस्टन और दूसरा होता है सेकेंडरी पिस्टन। जो प्राइमरी पिस्टन होता है वो जो हमारा ब्रेक पैडल या ब्रेक लीवर है वहाँ से कनेक्टेड होता है और जो दूसरा सेकेंडरी पिस्टन है वो जस्ट जो हमारा प्राइमरी पिस्टन का स्प्रिंग है ख़त्म होता है वहाँ पे वो लगा हुआ होता है। अगला जो पार्ट है वो है सिलेंडर। अब फ्रेंड जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया कि यहाँ पे सिलेंडर के अंदर में दो पिस्टन का अरेंजमेंट होता है तो यहाँ पे दो इनटेक पोर्ट और दो आउटलेट पोर्ट होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो सिलेंडर होता है उसके अंदर में दो कंप्रेशन चैम्बर भी होता है। अगला जो पार्ट है वो है रिटर्निंग स्प्रिंग। अब मैं आपको बता दूं कि यहाँ जो प्राइमरी पिस्टन होता है उसके लिए अलग रिटर्निंग स्प्रिंग होता है और जो हमारा सेकेंडरी पिस्टन होता है उसके लिए अलग से रिटर्निंग स्प्रिंग होता है। अगला जो पार्ट है वो है वाल्व। मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे दो इनटेक वाल्व और दो हमारा आउटलेट वाल्व वो होता है। तो फ्रेंड्स ये हो गया टैंडम मास्टर सिलेंडर के पार्ट्स। चलिए अब हम लोग डिटेल में बात करते हैं कि जो टैंडम मास्टर सिलेंडर है वो कैसे काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जब नॉन एक्चुएशन का पोजीशन होता है यानी कि जब ब्रेक पैडल पे कोई भी फोर्स अप्लाई नहीं होता है वहाँ पे जो प्राइमरी पिस्टन और जो सेकेंडरी पिस्टन है वो दोनों अपने ओरिजिनल पोजीशन पे होता है जिसके वजह से क्या होता है कि जो प्राइमरी इनटेक पोर्ट है और जो सेकेंडरी इनटेक पोर्ट है वो दोनों ही क्लोज होता है यानी कि कोई भी ब्रेक फ्लूड कंप्रेशन चैम्बर के अंदर में नहीं आता है। अब जैसे ही ड्राइवर ब्रेक पैडल को प्रेस करता है उसके वजह से क्या होता है कि सबसे पहले जो प्राइमरी पिस्टन है उसका मूवमेंट होता है। जैसे ही प्राइमरी पिस्टन का मूवमेंट होता है तो जो प्राइमरी इनटेक पोर्ट है वो ओपन होता है और जो प्राइमरी जो रिजर्वायर है यानी कि जो हमारा ब्रेक फ्लूड का प्राइमरी चैम्बर है वहां से ब्रेक फ्लूड प्राइमरी कंप्रेशन चैम्बर में अंदर में आता है। अब मैं आपको बताऊं कि सेम उसी तरह से जो प्राइमरी पिस्टन के मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्रेक फ्लूड प्राइमरी कंप्रेशन चैम्बर के अंदर में आया है वो कंप्रेस्ड होता है और एक सर्टन प्रेशर पे आके जो हमारा प्राइमरी आउटलेट वाल्व है वो ओपन होता है जहाँ से ये जो प्रेशराइज्ड ब्रेक फ्लूड है वो ब्रेक लाइन से होते हुए जो ब्रेक कैलिपर है वहाँ तक पहुँचता है और जो प्राइमरी सर्किट है वहाँ पर ब्रेक
लग जाता है। फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं जनरली क्या होता है कि जो प्राइमरी सर्किट होता है वो फ्रंट व्हील होता है, ओके। अब क्या होता है कि जैसे ही जो प्राइमरी पिस्टन है उसका मूवमेंट एकदम कंप्लीट हो जाता है, यानी कि वो अपने एक्सट्रीम एंड पे वापस आ जाता है, तो प्राइमरी पिस्टन के स्प्रिंग के फोर्स के वजह से क्या होता है कि जो सेकेंडरी पिस्टन है उसका मूवमेंट होता है। अब सेम उसी तरह से सेकेंडरी पिस्टन का मूवमेंट होता है, जो सेकेंडरी इनलेट जो पोर्ट है वो खुल जाता है, जो सेकेंडरी चैम्बर है वहाँ से जो ब्रेक फ्लूड है वो सेकेंडरी कंप्रेशन चैम्बर के अंदर में आ जाता है। अब क्या होता है कि पिस्टन के मूवमेंट की वजह से वो भी कंप्रेस होता है, एक सर्टेन प्रेशर आके क्या होता है कि जो सेकेंडरी आउटलेट पोर्ट है वो ओपन हो जाता है और वहां से ब्रेक फ्लूड क्या होता है कि ब्रेक लाइन से होते हुए जो सेकेंडरी सर्किट है यानी कि जो पीछे का व्हील जनरली होता है वहां पे क्या होता है कि ब्रेक कैलिपर के द्वारा ब्रेक अप्लाई हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये डिफरेंस होता है और इस तरह से जो हमारा टैंडम मास्टर सिलेंडर है वो काम करता है। फ्रेंड्स आइए अब मैं आपको बताता हूं कि हमें अपने ऑटोमोबाइल में मास्टर सिलेंडर की जरूरत क्यों पड़ा और मास्टर सिलेंडर के एडवांटेजेस क्या क्या है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि आजकल के जो मॉडर्न और जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, जो मॉडर्न व्हीकल्स होते हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई स्पीड पे चलते हैं। अब इस हाई स्पीड व्हीकल को रोकने के लिए हाई स्टॉपिंग फोर्स या फिर जो हाई ब्रेक फोर्स होता है उसका ज़रूरत पड़ता है। अब जो मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं वो इतने ज़्यादा कैपेबल नहीं होते या वो इतने ज़्यादा हाई फोर्स जनरेट नहीं कर पाते हैं जो कि इन तेजी से चलती हुई गाड़ियों को रोक सके। अब यहीं पे ये जो मास्टर सिलेंडर है वो काम में आता है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है कि जो ब्रेक फ्लूड का प्रेशर को इंक्रीज कर देता है और जिसके वजह से जो हाई स्पीड व्हीकल है वो आसानी से रुक जाते हैं। फ्रेंड्स अगला जो एडवांटेज है मैं आपको बता दूं कि वो ये है कि जो हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम होता है वहाँ पे जो ड्राइवर है वो कार के ब्रेक पैडल या फिर जो बाइक के ब्रेक लीवर पे जो फोर्स अप्लाई करता है वो हार्डली 50 न्यूटन से लेकर 70 न्यूटन तक का होता है। अब मैं आपको बता दूं कि ये जो 50 न्यूटन से लेकर 70 न्यूटन का जो फोर्स है वो कैपेबल नहीं होता है इन तेज़ी से चलते हुए गाड़ियों को रोकने के लिए। अब यहाँ पे मास्टर सिलेंडर काम में आता है। मास्टर सिलेंडर क्या करता है कि ड्राइवर के द्वारा लगाए हुए इस मैकेनिकल फोर्स को हाइड्रोलिक प्रेशर पे कन्वर्ट कर देता है। और मैं आपको बता दूं कि जो हाइड्रोलिक प्रेशर मास्टर सिलेंडर की वजह से होता है वो ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करता है जिसके वजह से हम लोगों का आसानी से ब्रेक लग जाता है। अगला एडवांटेज मैं आपको बता दूं ये है कि चूंकि यहाँ पे हाइड्रोलिक ब्रेकिंग सिस्टम में मास्टर सिलेंडर की वजह से क्या होता है कि जो ब्रेक फेलियर का है वो चांसेस कम हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो फ्रंट का व्हील है और जो रियर का व्हील है वहाँ पे जो ब्रेक अप्लाई करने का तरीका है वो इंडिपेंडेंट है, वो दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं, इसलिए कहीं ना कहीं ब्रेक फेलियर का चांसेस जो है वो कम हो जाता है। फ्रेंड्स मास्टर सिलेंडर के अगर हम लोग एप्लीकेशन की बात करें तो मैं आपको बताता हूं कि जो सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर होता है वो ज़्यादातर टू व्हीलर्स में यूज़ किया जाता है, जैसे कि बजाज पल्सर, टीवीएस अपाची। इसके अलावा जो लाइट वेटेड व्हीकल होते हैं जैसे कि ई रिक्शा, वहाँ पे भी सिंगल सर्किट मास्टर सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। इसके अलावा जो टैंडम मास्टर सिलेंडर है मैं आपको बताऊं कि उसे यूज़ किया जाता है जितने भी आजकल के कार्स हैं वहाँ पे टैंडम मास्टर सिलेंडर का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में मैंने आपको डिटेल में बताया कि मास्टर सिलेंडर क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये दोनों टाइप जो है वो कैसे काम करते हैं, इसके अलावा इनका एडवांटेजेस, एप्लीकेशन, सब के बारे में मैंने आपको आज की इस वीडियो में डिटेल में बताया। तो आई एम श्योर आज का ये वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा और आप मास्टर सिलेंडर के बारे में बहुत सी चीज़ों को जान गए होंगे। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दे। वीडियो के बारे में और चैनल के बारे में अपनी राय आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। इसके अलावा फ्रेंड्स अगर आप मेरे चैनल पर नए हो या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन में क्लिक करके सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को भी दबा ले ताकि आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोस के अपडेट आपको नोटिफिकेशन के थ्रू मिलते रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।